हरे कृष्णा राधे राधे। आज मन हुआ कि आज आपके लिए ब्लॉग बनाते हैं, तो मैं अभी स्नान वगैरह करके और थोड़ा बहुत काम करके ठाकुर जी को उठाया है, स्नान करा दिया है उनका, और अभी मैं कर रही हूँ उन्हें तैयार। तो सबसे पहले मैं गोपू को ही तैयार कर रही हूँ, उनका स्नान कराया, और मैं स्नान किस तरह से कराती हूँ तो ये वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद में पूजा आरती करने के बाद में फिर, क्योंकि मास्टर जी के आने का टाइम हो जाता है, तो फिर भाई पूजा आरती करने के बाद में जाना पड़ता है ऊपर। तो अभी मैं आपको सबके दर्शन करा के फिर चलती हूँ ऊपर, और आज के सभी के श्रृंगार दर्शन और आरती। हाँ, एक चीज़ और कहूँगी कि आपको वीडियो में देखने से शायद लगेगा कि मैं उल्टी आरती घुमा रही हूँ, बट वो सीधी है क्योंकि फ्रंट कैमरा है तो इसलिए ऐसा लग रहा है। तो अभी सबके आप कर लीजिए श्रृंगार दर्शन, और उसके बाद हम चलते हैं ऊपर की ओर। यानी कि पहले जो मैं सिलाई का काम करती थी वो नीचे ही था, और अब हम करने लगे हैं ऊपर, क्योंकि जब से रिनोवेशन कराया है तो वो सेपरेट कर दिया है। और मैं अभी आपको महिमा के भी रूम में लेकर चलती हूँ, देखते हैं कि वो क्या कर रही है। तो काफ़ी टाइम हो गया उससे भी मिले आपको। अभी हम आ गए हैं मैडम महिमा के रूम में, और वो कर रही हैं स्टडी, और उन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए अब मैं चलती हूँ ऊपर अपने काम के लिए। बाय राधे राधे। एक बार चेहरा नहीं दिखाएंगे आप? नहीं। क्यों, धुला नहीं है इसलिए? नहीं, अभी 2 बजे टाइम होगा। अच्छा चलो हम चलते हैं, और इसका कमरा मैं दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि इसका रिनोवेशन दोबारा, वैसे इसका कमरा थोड़ा फैला हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम फैला हुआ ही दिखा देते हैं। तो अब हम जा रहे हैं, बाय बाय। और अब हम चलते हैं ऊपर। तो यहाँ है हमारे ठाकुर जी। एंड और एक चीज़ पता है, इसकी भी मुझे वीडियो बनानी है बट मैं बना नहीं पा रही हूँ, तो मैं आपको एक मिनट लाइट जलाकर दिखा देती हूँ। ये हुए हैं ठाकुर जी के लिए बैग रेडी, यानी कि कहीं भी ठाकुर जी को जब आपको साथ में लेकर जाना हो तो आप उन्हें ले जाएं, तो कैरी करने के लिए उनके लिए बैग रेडी हो रहे हैं। और एक बैग पता है ये भी है, ये देखिए, ये हट टाइप में बैग है, और इसमें मैंने ठाकुर जी की ज्वेलरी रखकर, तो मैं इनके पीछे ये इस तरह से रखा रहता, तो रात की ज्वेलरी भी इनकी उतार कर इसी बैग में रख देती हूँ, फिर सुबह इसी में से पहना कर और उन्हें तैयार कर देते हैं, तो इस तरह से उनकी ज्वेलरी भी नहीं खोती है। और ये देखने में रखा हुआ भी बहुत सुंदर लगता है उनके पास में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगता है कि यहाँ पर मैंने ज्वेलरी का बैग रख दिया है। तो इसीलिए अब हम चलते हैं ऊपर सिलाई के लिए, और मैं एक बार आपको मंदिर के भी दर्शन करा देती हूँ। तो ये देखिए, ये ठाकुर जी, और यहाँ पर हमारी माता रानी और सभी भगवान विराजमान, और ये है आज के मंदिर के दर्शन। और ये जो आप बर्तन देख रहे हैं, तो ये ना किचन में नहीं रखते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं इसी में ठाकुर जी का स्नान कराती हूँ, तो ये बर्तन जो है ये हमारे यहीं पर रहते हैं, इन्हें वापस से धोकर यहीं रख देते हैं मंदिर के अंदर। तो अब हम चलते हैं ऊपर की ओर, और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है ड्राइंग रूम, और कभी कभी जैसे मुझे कटिंग तभी ठीक नहीं होती है, तो कल मैंने कटिंग यहीं की थी, तो वो अभी कपड़े यहीं रखे हुए हैं, उन्हें लेकर जाऊँगी मैं ऊपर। और ये है ड्राइंग रूम, तो यहाँ पर भी जो है रिनोवेशन दोबारा ही हुआ है, और पहले यहीं पर हमारी जो है सिलाई होती थी, तो यहीं पर मशीनें रखी हुई थी। और ये है प्रभात का रूम, तो वो भी गया हुआ है कोचिंग। तो घर की वीडियो में आपको एक बार दोबारा से ही बनाकर दिखाऊंगी, उसमें घर का आपको पूरा ब्लॉग मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं ऊपर। आज मेरा मन हुआ कि आपको एक ब्लॉग दे दिया जाए, तो इसलिए आज मैंने ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, और चलते हैं अब हम। आपको म्यूजिक की आवाज़ आ रही होगी, तो मास्टर जी हमेशा भजन लगा कर रखते हैं, और दोपहर में चलती है हमारी भागवत कथा। तो अभी हम आ गए हैं, और मास्टर जी लगता है बाहर गए। तो यहाँ पर रहते हैं हमारे माधव और माधवी, तो कि माधव माधवी कहाँ है, तो वो यहाँ रहते हैं। और हमारा शुरू हो चुका है काम, तो ये लगे हैं सबके एड्रेस लिखने के लिए, मैं कटिंग कर रही हूँ और मास्टर जी सिलाई कर रहे हैं।
पे इंसान लिखते लिखते थक जाए तो वो फिर लेट जाता है, लेट के लिखने लगता है देखना। और आज था हमारे लिए सरप्राइज क्योंकि ठाकुर जी की एक भक्त उनसे मिलने के लिए आई थी। बिल्कुल ना, तो भैया ठाकुर जी से मिलने के लिए आए हैं। तो आप भी राधे राधे बोल दो। राधे राधे। और ठाकुर जी के लिए बड़ा ही प्यारा भोग लेकर आए हैं। और तेरा मेरा क्या बनाया? मेरा क्यों बनाया? क्यों बनाया मेरा बुद्धू? आपके पैसे लगवा दिए अपनी स्कूटी ठीक कराने। तो तेरे पापा वो तो हमेशा करते हैं, मेरा बुद्धू बनाते रहते हैं। वो मेरे पिन खो गई थी। तो क्या बैग में मिलेगी क्या पिन? पिन भी बैग में रखेगी? हाँ तो बैग में है ना। ओफो, अब तो देखेगी नहीं मेरी तरफ? नहीं। क्यों नहीं? थोड़ा सा भी नहीं देखेगी? बंद करो। क्या देख रहा है? रूड़ी रूड़ी पढ़ेगा वो भी? रूड़ी पढ़ना है तुझे भी? रूड़ी वैसे भी हर एग्जाम में पास आ सकता है, जहां जाके बैठ जाएगा ना, किसी की मजाल नहीं है, कोई और एग्जाम दे दे तो इसलिए रूड़ी फर्स्ट आएगा। क्यों, ये बन सकता है डॉक्टर इंजीनियर वगैरह? बहुत दिमाग है रूड़ी के अंदर। तो तुम क्या करोगे? हम रूड़ी भाई, पता है हम कौन है? रूड़ी के भाई बहन है। अच्छा, हम ये करेंगे। अच्छा। बनने दो रूड़ी को एक बार, डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना चाहता है बेचारा, इतना होनहार है। हाँ सही बात है, सारा होनहार रूड़ी तो है। अभी तो बताया आपने होनहार है वो। बिल्कुल। तो ब्लॉग क्यों अचानक से शुरू कर दिया? ऐसे आज मेरा मन कर रहा था कि आज मैं ब्लॉग बना लूं। नहीं देख, मैंने ब्लॉग बनाने की आज सोची ना, तो आज ठाकुर जी के भक्त आए ना मिलने के लिए। अबे ठाकुर जी सब सुनते हैं, ऐसी थोड़ी है। आप मेरा कभी हो? क्यों तेरा कंटेंट? मैं क्यों कंटेंट हूं? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। आप सारा कंटेंट मुझसे ले रही हो जबरदस्ती। ऐसा ही है। देख ठाकुर जी ने पता है खुद भी बुला लिया है भक्त को कि आज मेरी जो सखी है वो ब्लॉग बना रही है, तो मैं किसी को भेज देता हूँ, तो इसलिए आज ठाकुर जी ने ना ब्लॉग के लिए बुला लिया है। देखा, देख लिया ना? हाँ चल, तो आज का ब्लॉग यही खत्म कर देती हूँ अभी दिन में, क्योंकि फिर एडिट कर दूंगी ना शाम तक, है ना? देखो एंड में मेरे पे कर रही हो, मैं कंटेंट हूँ आपका। बैंड कर देती हूँ, है ना भाई? मैं अपने पे एंड कर देती हूँ। चलो भाई फिर मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब देख लिया, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।